आपने जस्टिस डीसी हाय हाय डीसी हाय हाय डीसी हाय हाय कंट्रोलर हाय हाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हाय हाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो हमारा जेन्युइन केस है हमारी मांगे पूरी जस्टिस वी वांट जस्टिस आप तो रिस्टेट में कंटिन्यू रखो थोड़ा आपका नाम मेहनाज मेहनाज क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर हमारे हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि हमारी बीएड जो है 2 साल की होगी लेकिन हमने एडमिशन 2014 में ली है और अगर हमें ये पता होता इन्होंने बीएड नहीं करवानी है तो हम लोगों ने एमए क्यों करनी थी हम लोग तो एमएड की डिग्री की चाहिए नहीं हमें तो प्रोफेशनल डिग्री चाहिए बीएड की तो हमने सारे फॉर्म फॉर्मेलिटी सारे फॉर्म हमने सबमिट किए सब कुछ हो गया रिसिप्ट हमारे पास है सब कुछ हमारे पास है हमारी लास्ट डे एग्जाम 29 को हमारा एग्जाम है हमारी हम थर्सडे को यहाँ पर आए हैं और हमने इनसे कहा कि हमें रोल नंबर इशू कब होंगे तो इन्होंने हमें वहाँ पे कहा कि आपके जो बीएड की फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट हो गए हमने इनसे पूछा किस बेसिस पे रिजेक्ट किए इन्होंने हमारे फॉर्म्स तो हम लोग 5 दिन हो गए हमें चक्कर लगा दो रिप्रेजेंटेशन दो एप्लीकेशन दो डा कोई ऑफिस नहीं छोड़ा हमने डा डीन रजिस्ट्रार वीसी हर जगह हम लोग पहुंच चुके हैं आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने पे इन्होंने मजबूर किया कि हमारा 29 को एग्जाम है हम लोग क्या करेंगे हमारा इन्होंने 1 साल 2 साल वेस्ट किए हमारे अगर हम बीएड की एडमिशन भी लेते हैं नेक्स्ट ईयर तो वो 2 साल की है हमें कुछ नहीं चाहिए हमारा साल वेस्ट नहीं होना चाहिए जैसे मर्जी करो हमारी बीएड होनी चाहिए। आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट को अप्रोच किया और क्या अब आप डिपार्टमेंट की फुल परमिशन है वो इनकी मीटिंग हो चुकी है कल वीसी सर के साथ डिपार्टमेंट जब इनको बार बार ये बोल रहा है हमारी एचओडी मैम ने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है हम लोगों का कोई कसूर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है और ये हमारे पे क्यों थोप रहे हैं इनकी गलती है एमएस बीसी सर से जवाब चाहिए कि जब एमएड और बीएड के दोनों के बीएड इम्प्लीमेंट हुई है 2 साल की तो जब उनको प्राइवेट कैंडिडेट में 2017 में भी एग्जाम वो दे सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते 1 साल के लिए हमारे फॉर्म सबमिट हुए तब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हुई तब कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ से होया हुआ था जब हमारे फॉर्म सबमिट किए इन्होंने 7 महीने पहले जनवरी में हमारे इन्होंने फॉर्म सबमिट किया आज आके हमें ये बोल रहे हैं कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गए ये क्या मजाक है कोई ये रिसिप्ट हमें दी है जे एंड के बैंक ने दी हुई है उन्होंने ये कहा था कि हमारे फॉर्म सबमिट हुए सब कुछ है इसमें तो आज हमें ये बोल रहे हैं कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गए क्योंकि मजाक चला है जब इनका मन करता है नोटिफिकेशन आ जाता है जब इनका मन करता है मॉडिफिकेशन कर देते हैं बच्चों के कैरियर का सवाल है कोई मजाक नहीं है हमें हर हाल में अपना साल पूरा चाहिए बीएड होनी चाहिए नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे आगे जो कुछ भी बच्चे करेंगे उसके जिम्मेवार वीसी सर होंगे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन होगा उसके बाद हमें कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने ये ऐसा क्यों किया आपका क्या नाम है मैं शिवानी शिवानी जी क्या प्रॉब्लम है किस लिए आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे 2014 बैच के हम स्टूडेंट्स हैं और 2015 में लास्ट में ये रूल आया था कि हमारी बीएड जो है 2 इयर्स की होगी बट हम लोग 14 के हैं रूल के अकॉर्डिंग हमारी बीएड 1 ईयर की हो जानी चाहिए हमारे फॉर्म्स इन्होंने सबमिट किए हमने फीस वगैरह सब दे रखी है तब तक 6-7 मंथ बीच में गैप हुआ है जब हमने रोल नंबर के लिए खुद गए थे हम रोल नंबर पूछने के लिए कि आए हैं नहीं लास्ट में उन लोगों ने यह कहा कि आपकी बीएड कैंसिल हो गई है अगर ऐसे था तो 6-7 महीने से ये कहाँ सोए हुए थे हमें बताना चाहिए था ना कि बीएड आपकी कैंसिल हो चुकी है हमें नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी हम आए हैं तो हमें नोटिफिकेशन आई है सब जगह अप्रोच कर चुके हैं कुछ भी नहीं मिल रहा एट लास्ट हम लोग को टेस्ट पे आए हुए हैं हमें कुछ नहीं चाहिए हमें बस इतना है कि हमारी बीएड हो जानी चाहिए दैट्स इट अब आप लोग क्या चाहते हैं आपने भी इस हिसाब से कोई अपना मेमोरेंडम दिया या इस चीज सब कुछ कर चुके हैं हम कहाँ नहीं गए हैं सब जगह धक्के खा चुके हैं सिर्फ हमें एक से दूसरी जगह दूसरी से तीसरी जगह घुमाया जाता है नथिंग एल्स और कुछ नहीं मिल पा रहा हमें ये हमारे एग्जाम्स हो जाए दैट्स इट हमें और कुछ नहीं चाहिए और जब तक नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे आपका क्या नाम है मेरा नाम गोसिया है गोसिया क्या कहना चाहोगे क्या जो ये आप लोगों की जो आपने इशू उठाया है क्या प्रॉब्लम हुई है और क्या पूरी इसका प्रॉब्लम यही है कि सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर इन्होंने बीएड नहीं करवानी थी तो हमारे फॉर्म नहीं भरने थे ठीक है इन्होंने हमारी स्लिप वगैरह सब कटवाई हमारा तो सेशन जो है 2014 का है तो हमारे जो सीनियर थे उनकी भी तो डिग्री जो पास आउट है वो 2016 का है
तो अगर हमारा उनका हुआ है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा। इन्होंने हमें पहले ही, मैम ने बोला था, हमारी HOD मैम ने हमें पहले ही बोला था कि आपकी जो बीएड वो होके रहेगी। एंड पॉइंट पे जब हमारे रोल नंबर भी निकल के हमारे पास उनकी स्लिप्स भी है और ये हमें एंड पॉइंट पे कह रहे हैं कि आपकी जो पेपर हैं वो कैंसिल हो गए, जो फॉर्म भरे हैं वो कैंसिल हो गए हैं। तो हम जस्टिस मांग रहे हैं VC सर से, कंट्रोलर से, हम हर एक एक यहाँ पे जो है कंट्रोलर कोई भी, हम उसे जस्टिस मांग रहे हैं कि हमारे बीएड के पेपर होने ही चाहिए। हम अपने 4 साल वेस्ट नहीं कर सकते, हमारा करियर का सवाल है ये।